क्या बात है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, लिटरली बहुत सारी भीड़, और सारे के सारे लोग सरदार हैं। सब लोग कनाडा जा रहे हैं क्या? कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं क्या बात है। सो आई विल कीप यू अपडेटिंग। अभी मैं जा रहा हूँ ढाका, बांग्लादेश। सो मैं आपको सफ़र में अपने साथ रखूँगा एंड वहाँ जाके आपको बताऊँगा कि क्या चल रहा है अभी। और इतनी भीड़ में बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, मैंने बहुत मुश्किल से कॉन्फिडेंस जुटाया ना। और देखिए जनाब, सुंदर सा एयरपोर्ट, हालांकि आपको ये देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई नो, सब लोग देख चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। सब लोगों को ये इंटरेस्ट है कि भैया जल्दी से बता दो, भाई जल्दी बोल बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम कब आएँ, कब से हम लोग ज्वाइन करें क्लासेस, आना सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, तू जा पहले। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आ गया हूँ, देन उसके बाद में सब लोग आना मेरे पीछे पीछे। सो गाइज, आई एम सक्सेसफुली बोर्डेड, प्लेन में बैठ गया हूँ मैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है पूरा प्लेन खाली है, ऑलमोस्ट बहुत कम लोग हैं जो बांग्लादेश अभी जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेन अभी पूरा खाली है, पूरा खाली ऑलमोस्ट। भाई फाइनली बांग्लादेश पहुंच तो गया, लेकिन अब जाकर के देखना है कि इमिग्रेशन होता है कि नहीं होता, और डर थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत सारे लोग नहीं थे वहाँ पर, और एक मेरा इमिग्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, बस अब लगेज का वेट कर रहा हूँ, देन आई मूव आउट। यार पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मली लग रहा है, पता नहीं सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन वगैरह भी सारे फॉर्मेलिटीज़ हो गए, अभी यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मली लग रहा है, बस एक अब्बा का मूर्ति नहीं है, वो यहाँ से तोड़ दिया गया। हमारे भी गए, हमें आ जाओ। अरे ये देखो, एक और ब्लॉगर आ गया, मेरा दोस्त सनी मेरे को लेने के लिए आया है। देखो दो ब्लॉगर, एक क्या हाल है? बस सब बढ़िया यार, सनी तो कैसा है? मैं तो तेरा दाढ़ी मढ़ी का क्या हाल है? अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, चिल करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको कॉलेज लेके चलूंगा और आसपास के सारे सीन्स दिखाऊंगा, इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो ट्रैफिक तो नॉर्मल चल ही रहा है यहाँ पे, अब मेन रोड पे जाके भी हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, अब वापस से वैसा ही हो गया, कुछ दिन के लिए शांति हुई थी, अभी वही घटिया, बहुत सारा ट्रैफिक होगा। तो चलो 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 चलते हैं। देखो बांग्लादेश की पहचान यहाँ के रिक्शा ले लिया हमने, और अभी हम लोग सनी के घर की तरफ जा रहे हैं एक बार। सो यहाँ से जब हम लोग एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, तो उसके बाद में उत्तरा ये एरिया है, तो उत्तरा में उत्तरा वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है, वुमेन्स मेडिकल कॉलेज उत्तरा आपने सुना होगा, तो वो भी रास्ते में ही आएगा। सो वो भी मैं यहाँ से ही लाइक आपको दिखाते हुए चलूँगा, देन। सो गाइस, इधर है उत्तरा वुमेन्स मेडिकल कॉलेज का एरिया, जान मामा जान। तो ये उत्तरा वुमेन्स, तो गाइज मैं अभी आपको लेके जाऊंगा जमजम टावर, जो कि उत्तरा का एकदम सेंट्रल एरिया है, सबसे मेन एरिया है, जहाँ पे पहले प्रोटेस्ट वगैरह भी वहीं पे हुए थे ना सर। हाँ, सो अभी हम लोग जमजम टावर देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे कैसा हाल है, ठीक है। सो देखो यार, पता नहीं, मैं ब्लॉगिंग इतनी करता नहीं हूँ ना, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा कि सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँ जितना भी। देखो घर पे बैठे बैठे तो सबको डाउट्स होते हैं सारे, लगता है कि यार क्या चल रहा होगा वहाँ पे, क्या हो रहा होगा। सो सिचुएशन इज़ नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब मुझे जैसे मैं बांग्लादेश में पहले घूमता था, मैं अभी भी वैसे ही घूम रहा हूँ, वैसे ही चल फिर रहा हूँ, तो बहुत मुझे कुछ देखने में सीरियस नहीं लग रहा अब। और क्या ही है अब यार, सब ठीक ही है यार। ये तो सनी मेरे को पहले ही बोल रहा था, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं, आ जा। तो फाइनली अब मैं आया तो मेरे को पता लग रहा है, देखिए कि हाँ सब ठीक ही है। मेरा जो अभिषेक है ना, अभिषेक शेक, चल बकवास मत किया कर इतनी तुम। सो दिस जमजम टावर तो इधर है, हम लोग किधर उतरे, इधर से आए ना, जमजम। सो यू कैन सी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नॉर्मल है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को ना इतनी शर्म आ रही है, काफ़ी सारे लोग तो मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जमजम टावर है एंड दिस इज द सेंट्रल पार्ट। ऐसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए, यहाँ पे पुलिस बॉक्स, अच्छा यहाँ पे
उसको अच्छा यहाँ पे पुलिस बॉक्स हुआ करता था, उसको उखाड़ फेंका। ओके नाइस। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं सनी जो पहले हुआ करती थी और अब नहीं है? पहले चीज तो ये है, जो शेख मुझे वो रोमन था उसका कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, शेख हसन की कोई फोटो नहीं है, और सब कुछ तो ठीक ही है। अच्छा बाकी सब नॉर्मल है, सिर्फ फोटोज निकली हैं। जमजम टावर। अभी राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं इब्ने सिन्हा, जो मेडिकल कॉलेज है उसका हॉस्पिटल है यहाँ पे उत्तरा में भी। सो इब्ने सिन्हा जा रहे हैं, सनी को कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है वहाँ से। ये इब्ने सिन्हा का हॉस्पिटल है, आई बी एन सिन्हा। बांग्लादेश में इब्ने सिन्हा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। राइट राइट, बहुत सारे ब्रांचेस हैं इब्ने सिन्हा के। 30 टका 10 टका मांगते ऐसे ठीक है मामा, धन्यवाद। चलो चलो भाई, मामा की अवस्था गुड, भालो आछे ना अपनी? अच्छा अच्छा ठीक है। ये कौन है, कौन है ये? निलोय कैसा है तू? हॉट प्लेट इज चेंज नाउ। टेबल ने पानी चेंज कर दिया उस तक से। अरे नहीं, बड़ा सुंदर कर दिया यार। हाँ। ओए ओए क्या बात है। सो यहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है गाइस, एंड इंटीरियर इन्होंने चेंज कर दिया, अंदर भी चेंज किया है। वाओ ये तगड़ा है, तगड़ा है, तगड़ा है। वो वाला रूम भी चेंज किया है ना? मैं सच बताऊं तो मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि दिस इज लाइक परमानेंट डेस्टिनेशन फॉर मी। कुछ भी हो, कुछ भी हो, चलो हॉट प्लेट चलते हैं। अरे यार ये मस्त है। वाओ सही है। तो अब लास्ट में कुछ सीरियस बात कर लेते हैं। देखो बात ये है कि इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी अब तक आई नहीं है जाने के लिए, और जब मैंने भी इंडियन एम्बेसी को कॉल लगाया, आप भी लगाएंगे ना, तो वो आपको यही बोलेंगे कि आपको कुछ दिन का वेट करना है, वो जब एडवाइजरी इशू करेंगे तब जाइए। क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि यहाँ पर सब सेफ़ है और आप आ गए, और क्या पता किसी के साथ कुछ हो गया। सो इट इज़ एन इंटरनेशनल इशू। तो जब आपको इंडियन एम्बेसी बोलेगा, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे कि नहीं आप बच्चे आ सकते हो यहाँ पे, तो तब आप आने का प्लान करें। अदरवाइज़ जैसे मैं अभी अपने रिस्क पे आया हूँ, ठीक है, तो अगर आप आना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे आओगे। मैं आपको आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम वेरी क्लियर इन दैट थिंग। और कॉलेज वाले भी आपके लिए ऑनलाइन क्लास का अरेंजमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी मैक्सिमम जगह पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और वो लोग उसको एक्सटेंड कर देंगे, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर, जितना मैंने अभी तक कॉलेज के अंदर बात करी है और इधर उधर के सोर्सेज से, यही है कि आपको फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर में यहाँ पे आने का दोबारा प्लान करना है, फर्स्ट और सेकेंड वीक। तब तक कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा, कॉलेज ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करेगा, बट मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट एडवाइजरी ऑफ इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट जब तक आपको अलाउ नहीं करता कि आप जाइए, तब तक आपको नहीं आना है। अदरवाइज अभी आप अपने रिस्क पे हो, बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। आपको याद है ना कॉलेजेस, जैसे उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई थी तो कॉलेज तो एक नोटिस निकालता है कि नहीं आप चले जाओ, ठीक है, हॉस्टल खाली कर दो, समझ गए मेरी बात। सो आपको एम्बेसी जैसा बोलता आपको वैसे करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना, ऑनलाइन क्लास चल रही है, घर पे रहो, अटेंड करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। एक गाना डाल रहा हूँ बाद में, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर ली तो गाना सुन लेना आराम से, चल ओके। और हाँ, इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है तो शेयर ज़रूर कर देना, जितने भी सारे लोग हैं तुम्हारे टच में जो अभी जल्दबाजी कर रहे हैं आने के अंदर, उनको प्लीज़ शेयर कर देना। मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं यहाँ की सिचुएशन दिखाना चाहता था, और मुझे आना था, मैं इसलिए आया विद माई ओन रिस्क, ठीक है। तो गाना सुनो, मौज मस्ती करो, चलो मिलते हैं।
ਜਗਦੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਆਈ ਸੋਣੀਏ ਜਗਦੀ ਤੂੰ ਸੁਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਸੋਣੀਏ ਅਗਜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬੁਲਾਈ ਸੋਣੀਏ ਤੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਰ ਆਂਦੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਨ ਚਲਦੇ ਹਨ Just tried. First time आया मैंने करियो में practice.